खाना है यार। इस व्लॉग में मैंने बोला था कि मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शो मी योर बम देन यू करना, फिर उसके बाद में मिक्स करके आप ट्राई करना। यू ऑल्सो गो एंड ट्राई हनु, ट्राई एट लीस्ट एट वंस, ट्राई एट वंस ओनली। नो थैंक यू। Hello, go and stand there. Go and stand there. Trunk, stretch your hand. Elephant trunk. Hello, Hathi Raja wali suna do jaldi se. Hathi Raja kahan? I can not help. Up to 10, hold. I know you can't touch. Oh, show me. See, look your knees. They are bending. Straight your knees and before, then touch. Before when I was small, I would touch. Yes, I will also touch. They are repeating you. They're not. They are. Not. See, they are. They're not. See, they are. Come, they will not. Come, they will. Naughty boy, if I'm saying don't show me your bum, then you are showing. Then show your bum. naughty, Anu. Hey guys, good morning and welcome back to the vlog. Last vlog में मैंने बोला था कि मैं एक बहुत ही important information share करने वाली हूँ हनु के breakfast से related. वो product share करने वाली हूँ जो कि मैं हनु को देती हूँ. तो जो कि मदर्स हैं उनकी क्वेरीज थी कि मैं हनु जब स्कूल जाता है तो मैं उसे ब्रेकफास्ट में क्या देती हूँ, मतलब वो क्या खा के जाता है. तो मोस्टली मैं आपको बता दूँ कि वो कुछ भी नहीं खा के जाता है, वो सिर्फ नारियल पानी खा के नहीं जाता है, मतलब पी के जाता है. वो ऐसा है कि उसका अगर वो खा के जाएगा तो उसको वॉमिटिंग जैसी टेंडेंसी हो जाती है, तो वो पी के जाता है. मोस्टली मैं उसको हाइड्रेट करने की कोशिश करती हूँ कि वो हाइड्रेट रहे ज़्यादा से ज़्यादा, और जब उसका लंच पीरियड हो तब वो अपना आराम से लंच करे. लेकिन फिर भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं हनु को दिया करती हूँ जो कि मार्केट प्रोडक्ट्स हैं. तो उसमें सबसे पहला और मेरा सबसे फेवरेट जो प्रोडक्ट है वो है ये. इसमें उल्टा दिख रहा है, पता नहीं क्यों दिख रहा है इसमें उल्टा. मैं इसकी पिक्चर शेयर कर लूँगी. तो ये है सोलफुल रागी बाइट्स. ये रागी बाइट्स है सोलफुल ब्रांड के, जो कि टाटा का ब्रांड है आई थिंक. यस, इट इज़ अ टाटा ब्रांड और इंडिया में बहुत ही आसानी से मिल जाता है क्योंकि ये रागी बाइट्स हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है हमारे बच्चों के लिए. नॉर्मल चोकोस के कंपैरिजन रागी हेल्दी होती है और इसके अंदर दाल प्रोटीन है, नो मैदा, नो एडेड शुगर, नथिंग. रागी कैल्शियम होता है. अच्छा, इस रागी बाइट्स में आपको बहुत सारे फ्लेवर्स भी रहते हैं और फ्लेवर्स के साथ साथ इसकी जो ये पैटर्न है, जैसे ये आपको स्क्वायर में दिख रहा है वैसे अलग अलग पैटर्न्स में आता है, रिंग्स में, राउंड में, ऐसे अलग अलग पैटर्न्स में आता है. तो ये मैं प्रेफर करूँगी अगर आपको बच्चों को मिल्क में कुछ भी डाइल्यूट करके या मिक्स करके उन्हें खिलाना है तो ये बेस्ट है. इसके साथ में आपको कोई भी पाउडर भी ऐड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये चॉकलेट है. इसमें वनीला और चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी थ्री फ्लेवर्स आते हैं. तो इस बार मैं इसकी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स लाई थी. एक और सोलफुल का है, दैट इज़ फ्रूट एंड नट्स. इसमें भी बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं तो ये मैं यूज़ करती हूँ फ्रूट्स एंड नट्स. इसमें 90% होल ग्रेन्स हैं, फ्रूट्स एंड नट्स हैं और प्रोटीन है, रागी भी इसमें ऐड है. सो रागी भी इसके साथ में ऐड है तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. और रागी के बेनिफिट्स तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, हम बचपन से जब बच्चे छोटे होते हैं तब से उन्हें रागी देते हैं. और इसके साथ साथ मैं एक और प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, दैट इज़ ये अभी ओपन किया हुआ है और ये दोनों कल ही, मतलब लाइक हम लोग शॉपिंग करने गए थे उसी टाइम पे हमने ख़रीदे थे. तो ये अभी मैंने ओपन नहीं किया, अभी हम उसको यही दे रहे हैं. तो ये है चोकोस, नॉर्मल जो चोकोस होते हैं वो केलॉग्स के. तो मैं क्या करती हूँ, मेरा देने का तरीका क्या है कि ये दोनों और इनको मैं मिक्स कर लेती हूँ.
और थोड़े से ये देने का मेरा तरीका ये है कि हाफ कप मिल्क लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में वो बहुत ज़्यादा मिल्क या ऐसा फुल पी के नहीं जाता है, थोड़ा सा हाफ कप मिल्क, उसके अंदर वन मुट्ठी भर के ये सब डाला, क्योंकि ये मैं मिक्स करके रखती हूँ एक कंटेनर में, और मैं थोड़ा सा रेजिन्स भिगो लेती हूँ पहले से ही, तो वो रेजिन्स भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, तो वो आराम से थोड़ा सा मिल्क, इतना ही मिल्क डालना है सुबह सुबह कि वो फटाफट से बच्चा ना उसे खा के चला जाए, ऐसा नहीं है कि मिल्क यू नो स्पून से या स्ट्रॉ से पी रहे, इतना टाइम होता ही नहीं है मॉर्निंग में, भूल जाते समय, मतलब हमें ये सोचना चाहिए कि बच्चे हमारे कैसे हाइड्रेट रहे मॉर्निंग के टाइम पे, क्योंकि रात भर सो के उठना उसके बाद में उनका हाइड्रेट रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मोस्टली वो या तो नींबू पानी पीता है या फिर कोकोनट वाटर पीता है, उसके अलावा मैं ये सब देती हूँ, वरना इवनिंग में तो ये फिक्स है, इवनिंग में वन टाइम मैं उसको ये देती हूँ, क्योंकि वो ओनली मिल्क नहीं पीता है, तो इसलिए ये सब मैं थोड़ा बहुत ऐड करके देती हूँ, तो दीज आर द ओनली थिंग्स, ये पता नहीं इसमें क्यों उल्टे उल्टे नज़र आ रहे हैं, आई डोंट नो ये क्या हो रहा है, पर ये सारे इसमें उल्टे नज़र आ रहे हैं, तो मैं पिक्चर शेयर कर दूँगी, पर होता है कभी कभी, मैं थोड़ा सा इसकी सेटिंग वगैरह देखूँगी, सो दीज आर द ओनली प्रोडक्ट्स जो कि मैं हनु के लिए यूज़ करती हूँ। अच्छा, वन मोर थिंग, पहले मैं उसको पीडियाश्योर का प्रोटीन दिया करती थी लाइक 6-8 महीने पहले तक, जब तक मैं दुबई आई थी तब तक, उसकी जैसे भी दुबई, उसके बाद मैं उसको पीडियाश्योर प्रोटीन नहीं दिया है, तब से मैं उसके लिए खुद बनाने लगी हूँ प्रोटीन स्पून, मैं उसको बोलती हूँ, जैसे प्रोटीन बार होती है वैसे प्रोटीन स्पून है, फुल ऑफ प्रोटीन स्पून है, सुबह सुबह जब हनु कोकोनट वाटर या फिर लैमिनेट पी के जाता है उसके बाद में मैं उसको बस वो एक स्पून खिला देती हूँ और फिर वो चला जाता है, तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, एंड दैट जो नींबू पानी है वो भी मैं उसे डिफरेंट तरीके से देती हूँ, तो ये रेसिपीज़ हैं, तो ये मैं रेसिपीज़ में शेयर करूँगी, अभी मुझसे प्रोडक्ट्स के लिए पूछा था तो इसलिए मैंने आपको प्रोडक्ट्स आपके साथ में शेयर कर दिया, दीज आर द ओनली प्रोडक्ट जो कि मैं हनु को देती हूँ, इसके अलावा मैं कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करती हूँ, ये भी जस्ट फॉर चेंज, मतलब ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है कि उसको डेली ये खाना ही है, मैं ट्राई करती हूँ मोस्टली वो नेचुरल चीज़ों पे ही रहे, बहुत कम पैक्ड चीज़ें मैं उसे खिलाती हूँ, लेकिन ये घर में होना चाहिए, मतलब अगर वो कुछ भी नहीं खा रहा है तो एटलीस्ट 2 स्पून अगर वो ये खा लेता है तो मुझे लगता है कि उसने कुछ खा लिया है, एटलीस्ट, क्योंकि एज अ मदर ये फील होता है कि बच्चा कुछ नहीं खा रहा है, उससे बेटर है कि कुछ तो खा ले, तो ये उस टाइम का है, और इवनिंग में तो इसको ये मैं बना के देती हूँ इतना सा बाउल, मैं कभी आपको बना के भी शेयर करूँगी कि मैं कैसे उसे देती हूँ, और बात मैं कहना चाहूँगी कि मुझे हनु पे इन प्रोडक्ट्स का कोई साइड इफेक्ट नज़र नहीं आया, मीन्स उसको खाने के बाद में रैशेज वगैरह कुछ भी नहीं हुए, वो ठीक था उसे, या फिर कई बच्चों की ऐसी होती है कि मोशंस रुक जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, मतलब बच्चों का हर बच्चे की बॉडी अलग है, पर हनु के साथ मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया, उसका सब कुछ सही चल रहा था, तो ही मैंने बाकी के प्रोडक्ट्स भी लिए, जैसे सबसे पहले मैंने ये लिया था रागी बाइट्स, फिर उसके बाद में मैंने इन फ्रूट्स एंड नट्स लिए थे, देन चोकोस तो नॉर्मल है ही, तो इसलिए आप एक एक करके ट्राई करना, फिर उसके बाद में मिक्स करके आप ट्राई करना, क्योंकि अगर बच्चे को सूट नहीं किया या उसे पसंद नहीं आया तो आपके भी लाइक वेस्टेज ऑफ मनी है, तो इसे ना होल भी खा लेता है, मतलब दूध में मिक्स करने की भी जरूरत नहीं, कभी उसको मूड होता है या कभी वो बोलता है मम्मा मुझे चॉकलेट खाना है, तो उसकी जगह पे मैं उसे 5-6 ये निकाल के दे देती हूँ, क्योंकि अभी ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, इसमें चॉकलेट फ्लेवर भी आता है, तो मैं मोस्टली वही लेती हूँ, इस बार उसने बोला कि मुझे स्ट्रॉबेरी चाहिए तो मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ली, मतलब चॉकलेट अवॉइड करके मैं उसे ये भी कोड़ा दे देती हूँ, तो उसको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि चॉकलेट से ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप बच्चे को कोरा भी ये दें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो ट्राई कीजिएगा, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, बच्चों पे सूट करे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, सो अब हम लोग क्योंकि आज ईद है तो हम लोग थोड़ी देर में रेडी वगैरह होंगे, बाहर जाएंगे आज थोड़ा डिनर विनर करने, कुछ खास नहीं लेकिन बाहर डेकोरेशन वगैरह अच्छी हो रही है तो जाएंगे थोड़ा घूम वगैरह के आएंगे, वैसे भी हॉलीडेज चल रही हैं अभी, यहाँ आना है यार, इस एरिया में आके ऐसा लगता है जैसे न्यूयॉर्क सिटी में आ गए हो, नहीं वो तो दुबई में सारी सिटी के थोड़ी थोड़ी अलग है।
न्यूयॉर्क की झलक है, यूके की झलक है, कुछ एरिया ऐसे लगते हैं जैसे कि बिल्कुल यूके जैसे एलए जैसा है बहुत कुछ। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अच्छे और इंटरेस्टिंग व्लॉग्स के लिए साथ में बने रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज़ डू शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि आज मैंने जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो पेड प्रमोशन के लिए नहीं थे, वो मैंने खुद ने खरीदे हैं, तो प्लीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।